सुप्रभात, मैं रीता कुमारी, संगीत विभाग विभागाध्यक्ष, पार्वती साइंस कॉलेज मधेपुरा, अंडर बी एन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा। आज मैं आप लोगों को, क्योंकि पार्ट वन हो, पार्ट टू हो, पार्ट थर्ड हो, जिसमें भी हो, संगीत के छात्र छात्राओं को ताल पोर्शन पढ़ना ही पड़ता है, तो उसी ताल प्रकरण में हम लोग आते हैं, छोटी छोटी बातों को जानते हैं कि ताल है। तो अब हम लोग आते हैं ताल। अब ताल है क्या? संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य में एक समय की माप होती है। समय के भरत मुनि ने कहा है, समय के मापने की क्रिया को या समय की माप को हम ताल कहते हैं। ठीक है, समय की माप को हम ताल कहते हैं। अब ये ताल जो है, इसमें मात्राएं होती हैं। प्रत्येक ताल कुछ मात्राओं की बनी होती है। तो ये मात्रा क्या है? अब हम लोग आते हैं मात्रा। ये मात्रा क्या है? ये जो समय की माप है ताल, इस समय के माप के प्रत्येक इकाई को या समय के माप की इकाई को हम मात्रा कहेंगे। समय की इकाई के माप को हम मात्रा कहेंगे। अब लय किसे कहेंगे? आपने देखा होगा, प्रत्येक ताल जो है कुछ मात्राओं के बने होते हैं, और प्रत्येक मात्रा एक दो तीन, जितना देर से एक मात्रे से दूसरी मात्रे पर जाएंगे, उतनी ही देर में हम, उतनी ही विश्रांति हमको दूसरे मात्रे से तीसरे मात्रे के बीच लेना होगा। अर्थात एक मात्रे से दो मात्रे के बीच के विश्रांति को या इंटरवल को, विश्रांति या इंटरवल एक ही चीज होता है, विश्रांति या इंटरवल को हम क्या कहेंगे? लय कहेंगे। इसमें अगर मान लीजिए 16 मात्रे का ताल है, तो 16 सेकेंड में अगर हम लोग उसको मापते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, तो ये 16 मात्रे को जो हम लोग गिनते हैं, तो आप देखिएगा कि एक से दो मात्रे के बीच में जितना मैंने समय लिया, उतना ही दूसरे मात्रे से तीसरे मात्रे के बीच में मैंने समय लिया, इसी तरह से तीसरे से चौथे मात्रे के बीच में मैंने समय लिया। यही जो है, यही क्रिया जो है लय कहलाता है। यही क्रिया लय कहलाता है। इस समय की माप है, उसकी मात्राएं हैं, उस मात्राओं के बीच का जो उसका जो चलन है, उसका जो चाल है, उसकी जो चाल है, उस माप, उसके विश्रांति, उसके इंटरवल को हम लोग लय कहते हैं। ये एक विशेष गत्यात्मक प्रक्रिया को हम लोग लय कहते हैं। और ये लय जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला विलंबित लय, दूसरा मध्य लय और तीसरा द्रुत लय। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। अब विलंबित लय हम किसे कहेंगे? अब मान लीजिए, आप नाम से ही स्पष्ट है कि विलंबित अर्थात विलंब से, देर से, तो जो क्रिया देर से हो, अर्थात अब मान लीजिए एक दो तीन चार, इसको और कहते एक दो तीन चार, ये विलंब से हो गया। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसका डबल हो गया, ये मध्य लय हो गया।
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसका सीधे विलंबित लय का ये क्या हो गया, चौगुना हो गया। तो जो बहुत विलंब से जिसकी गति, जिस लय की गति बहुत ही, जो विलंब हो धीरे से हो उसे विलंबित लय, उससे दोगुने लय को मध्य लय कहेंगे। जो ना द्रुत हो ना विलंबित हो उसको मध्य लय कहेंगे। और जिस लय की गति विलंबित से चौगुनी हो जाए लय, उसे हम द्रुत लय कहेंगे। धन्यवाद।